हार्ट अटैक आने पर महज 1.5 रुपए की 2 गोलियां यानी टैबलेट आपकी जान बचा देती है, लेकिन ये 2 गोलियां सोबेट्रेट और इकोस्प्रिन तक मुंबई के जेजे अस्पताल में नहीं है। इतनी बदहाल स्थिति मुंबई में राज्य सरकार के जेजे अस्पताल की बनी हुई है। इन दो दवाओं सहित ब्लॉकेज के लिए इस्तेमाल में आने वाली इंजेक्शन तक अस्पताल में आउट ऑफ स्टॉक है। हालांकि इन सभी दवाओं की खरीदारी का पर्चा अस्पताल प्रशासन ने कई महीनों पहले हाफकिन इंस्टीट्यूट को भेज चुका है, लेकिन दवाएं अब तक नहीं आ पाई है। इस बदहाली का खामियाजा कोई और नहीं बल्कि इस अस्पताल के इलाज के लिए आने वाले गरीब मरीज भुगत रहे हैं। हार्ट के इलाज के लिए आने वाली मरीजों के परिजन को ये सभी दवाएं खरीदनी पड़ रही है। अस्पताल में बदहाली की परतें दिन ब दिन खुल रही है। ओपीडी से लेकर इमरजेंसी और अस्पताल में भर्ती मरीज तक यहाँ असुविधा की मार झेल रहे हैं। यहाँ तक कि आईसीयू में भर्ती मरीज भी बदहाली से अछूते नहीं है। कार्डियक मरीज का हाल एकदम बुरा है। बीते 15 मई को दिल में दर्द की शिकायत लिए अस्पताल पहुँची नूर जहाँ को यहाँ बेड और डॉक्टर तो मिल गए, लेकिन दवाएं नहीं मिल पाए। लोग काफी ज्यादा परेशान है। रिपोर्ट मेट्रो मुंबई।